हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। और आज देखिए, कोई ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। आज सिर्फ एक टॉपिक पर बात करेंगे। आज कुछ कुकिंग भी नहीं करेंगे, कुछ रूटीन, क्लीनिंग रूटीन वगैरह कुछ नहीं करेंगे। मैं इस तरह का कुछ आपके लिए आज नहीं लाई हूँ। तो आज की जो वीडियो है मेरी, जो आजकल चल रहा है, देखिए आजकल का क्या माहौल है, आजकल क्या चल रहा है। आजकल तो सिर्फ कोरोना ही कोरोना, हर किसी के मुंह पे कोरोना का नाम फैला हुआ है। इस बात से तो आप सहमत होंगे। तो आज मैं कोरोना से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाई हूँ। अब आप कहेंगे कोरोना से रिलेटेड हमारे पास क्या है? मेरे पास बहुत कुछ है कोरोना से रिलेटेड, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई भी फेक चीज मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड्स में और सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि देखिए कुछ तो रियलिटी होती है और कुछ लोग, हम लोग घबराए भी होते हैं। जब भी कुछ समाज में फैलता है तो कुछ तो रियलिटी होती है और कुछ उस चीज के पीछे पीछे अफवाहें फैली होती हैं, है ना? आप इस बात से तो सहमत होंगे। तो कोरोना जितना भयानक है और जितनी ये सब चीजें फैली हुई हैं, कुछ सच है कुछ अफवाहें हैं। तो मैं भी, मुझे कुछ इसके बारे में जो, मतलब हम लोगों के साथ जो घटित हुआ, तो मैं उस चीज को आप लोगों के सामने लाई हूँ, जिससे कि मतलब अवेयरनेस आए लोगों के अंदर और पता चले यार इसमें क्या होता है, क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लाई हूँ। तो देखिए, कोरोना बीमारी भयानक है, लेकिन इसका टेस्ट कराने तक से भी लोग डर रहे हैं। मतलब किसी को कहा जाए कि आप इसका टेस्ट कराओ, तो इंसान के अंदर डर बैठ जाता है। अधूरी वीडियो देखने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और उसके बारे में आप जान भी नहीं पाएंगे। और किसी भी चीज की अधूरी नॉलेज मुझे नहीं लगता ठीक होती है। तो देखिए, आज का टॉपिक है कोरोना। तो आजकल बच्चे बच्चे के मुंह पे एक ही नाम है, कोरोना कोरोना कोरोना। मतलब किसी बच्चे को अपनी क्लास का नहीं पता होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कि हम कौन सी क्लास में आए हैं। मतलब मेरा छोटा सा बेटा है सक्षम, अभी वो LKG में आया है, तो अभी उसको उसकी क्लास का नाम याद नहीं रहता, लेकिन उसको कोरोना याद रहता है, क्योंकि हर टाइम TV पे कोरोना, हर किसी के मुंह पे कोरोना। तो ये कोरोना की दहशत ऐसी फैली हुई है, बहुत बुरी तरह दहशत इसकी फैली हुई है। तो देखिए, अब इसकी टेस्ट की बारी आती है, मतलब कोरोना के टेस्ट। मतलब लोग बीमारी तो क्या, टेस्ट कराने से भी डर रहे हैं, क्योंकि बीमारी से इतना डर नहीं लग रहा, बीमारी के इलाज से डर लग रहा है। उनके अंदर, सबके अंदर ये दहशत बैठी हुई है कि अगर मुझे ये बीमारी हुई और मैं, मुझे कहीं पे क्वारंटीन करने के लिए ले गए और मुझे अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज से सब लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। तो देखिए, मैं इसके टेस्ट से रिलेटेड आपके सामने कुछ जानकारी लाई हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमारे साथ हुई हैं, जो हमने किया है, तो मुझे लगता है कि सबको वो बतानी चाहिए और लोगों को भी नॉलेज देनी चाहिए। तो इसलिए आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो कोरोना वायरस है, तो इसके कहते हैं सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में, तब हमें टेस्ट कराना पड़ता है। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसे चक्कर में फंस जाता है कि उसकी बॉडी में कभी इंसान ऐसे उसमें फंस जाता है कि उसकी बॉडी में कोई सिम्टम भी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसको टेस्ट कराना पड़ता है। जैसे कोई पेशेंट जिसकी कोई पुरानी बीमारी चल रही है, जैसे मेरे हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनके डायलिसिस चल रहे हैं, तो अब वो डायलिसिस के लिए जाते हैं। तो डायलिसिस के लिए जो हॉस्पिटल है, उन्होंने कहा कि अगर आप कोरोना का टेस्ट नहीं कराएंगे तो आगे हम आपके डायलिसिस नहीं करेंगे, आपको रिपोर्ट लाना कोरोना की जरूरी है, मतलब कोरोना का टेस्ट कराना आपको जरूरी है। तो हमें मजबूरी में कोरोना का टेस्ट कराना पड़ा। लेकिन देखिए, जब आप, देखिए सभी डरे हुए, एक नॉर्मल इंसान भी कोरोना का टेस्ट कराते हुए डर रहा है कि यार अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, है ना? तो एक आदमी जो पहले से बीमार है उसको कितना डर लगेगा, और उसकी फैमिली को कितना डर लगेगा जिसको पहले से ही डायलिसिस चल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड का यही हुआ, उनको कहा गया कि आप टेस्ट कराइएगा। तो पहले तो 2-3 दिन हम बहुत घबराए हुए रहे कि टेस्ट कराएं। हमने टालने की कोशिश की कि हमें तो मतलब सिम्टम्स ही नहीं है तो हम क्यों टेस्ट कराएं, है ना? सिम्टम्स हो, कुछ फीवर वीवर हो तो हम लोग टेस्ट भी कराएं। तो हम लोगों को, हमने थोड़ा सा हॉस्पिटल वालों से मना किया कि नहीं, हम लोग नहीं टेस्ट कराएंगे। उन्होंने कहा नहीं घबराइए, मतलब आप टेस्ट कराइए, कि ये तो एक, मतलब हम लोगों ने सबके लिए रखा ही है, सभी पेशेंट्स को कराना है। तो फिर हम टेस्ट के लिए गए, तो उन्होंने हमें बताया कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, उन्होंने हमें वहाँ के लिए बताया कि वहाँ पे आप जाके टेस्ट कराइएगा। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो हमने डॉक्टर से बोला जाके कि हमारा टेस्ट कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बॉडी में कोई सिम्टम, टेम्परेचर वगैरह उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कोई सिम्टम नहीं है तो आपका टेस्ट नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए। लेकिन जब हम वापस आ गए तो फिर हमने डायलिसिस के लिए बात की, तो डायलिसिस वालों ने मना किया कि नहीं भाई, हमें तो टेस्ट रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए।
तो देखिए बेचारा इंसान कितनी उसमें दुविधा में फंस गया। टेस्ट के लिए जा रहे हैं, टेस्ट वाले टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिनको डायलिसिस करने हैं वो कह रहे हैं पहले हमें टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। तो फिर हमने हमने अगले दिन फिर से ट्राई किया, हम फिर से हॉस्पिटल में गए, सरकारी हॉस्पिटल में, और हमने कहा प्लीज टेस्ट कर दीजिए क्योंकि हमारी डायलिसिस नहीं हो पा रही, ऐसे हमें प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मना कर दिया साहब कि नहीं, आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हम आपका नहीं चेक मतलब टेस्ट नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, फिर इंसान करता और क्या ना करता, मतलब वो परेशान इंसान, उन्होंने बोला, हमने बोला कि हमारी बॉडी में ऐसा लग रहा है, हमें गले वाले में पेन सा लग रहा है, मतलब ऐसे कहने के लिए जिससे कि हमारा टेस्ट कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप बैठिएगा, लेकिन आपको 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। अब देखिए जिसकी बॉडी में सिम्टम नहीं है और जिसको सिर्फ डायलिसिस के लिए रिपोर्ट चाहिए, वो इंसान अगर 2 दिन तक हॉस्पिटल में रुकेगा, क्योंकि देखिए एक डायलिसिस वाले इंसान की घर पर कितनी केयर की जाती है, हमारा कोई पेशेंट है, हमारे घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसकी कितनी केयर करते हैं, लेकिन क्या वो केयर हॉस्पिटल में मिल पाएगी, एक सरकारी हॉस्पिटल में? और इस गर्मी के मौसम में क्या डायलिसिस वाला पेशेंट वहाँ पर रह सकता है? तो हम वहाँ से आ गए कि नहीं, हमें नहीं कराना, हमें ज़रूरत नहीं है, हम प्राइवेट में करा लेंगे। तो हम वापस आ गए वहाँ से बिना कुछ कहे, हमने अपना एड्रेस और नंबर वहाँ लिखवा दिया, जबकि मन में एक दुविधा बनी। तो हम वापस आ गए, हमने कहा नहीं भाई 2 दिन हम लोग नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक नॉर्मल इंसान शायद रुक पाए, लेकिन एक पेशेंट के लिए मतलब आप समझ सकते हैं कि किडनी पेशेंट के लिए तो पानी की मतलब, वो अगर बाहर का पानी भी पी ले उसको तो पानी भी एकदम साफ सुथरा चाहिए, मतलब हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है किडनी पेशेंट के लिए, किडनी पेशेंट के हर एक बीमारी में। और क्योंकि हम अपने पेशेंट की टेक केयर करते हैं तो हमें पता है कि हम उसके साथ में कैसे ट्रीट करना है, दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे, क्या उनको खाने को देंगे, क्या नहीं देंगे, कैसे रखेंगे उनको, वहाँ पर नींद आएगी नहीं होगी, कैसी व्यवस्था होगी, कुछ नहीं पता। तो हम लोग वहाँ से आ गए, हमने वो टेस्ट नहीं कराया। फिर हमने आने के बाद में हमने प्राइवेट लैब पे पता किया कि वहाँ पे क्या क्या प्रोसेसिंग है उसकी, हमने कॉल की उनको, उनका नंबर लिया, कॉल की लोगों के थ्रू, एक दो जान पहचान करके और मतलब जैसे तैसे करके हमने नंबर लिया, और फिर हमने उनको कॉल की, उनसे हमारी बात हुई। तो उन्होंने हमें, देखिए सरकारी हॉस्पिटल में ये 10 रुपये की पर्ची कट के ये टेस्ट हो रहा था, और यही टेस्ट प्राइवेट लैब में हुआ 4,500 रुपये में। तो देखिए एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली जिसका पहले से डायलिसिस चल रहा है और जिस इंसान का पहले से ही डायलिसिस चल रहा है वो पेशेंट है, और कोरोना में देखिए सबके काम धंधे बंद हैं, तो 4,500 रुपये का फिर ये टेस्ट कराइए, तो यार लूटी मची हुई है एक तरह से। तो और मैं कुछ नहीं कहना चाहती इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, इस टेस्ट के चार्जेस लगे 4,500 रुपये। तो 4,500 में हमारा टेस्ट हुआ, और जब टेस्ट कराने के लिए हमारे घर पे वो आए, उसके बाद क्या क्या हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे जो पति हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जिनका ये टेस्ट हुआ उनकी आई है नेगेटिव, नॉट डिटेक्टिव, तो मतलब कोई उनमें सिम्टम्स नहीं थे, तो हमें पहले ही पता था कि मतलब निगेटिव ही आनी है, पूरा हमें कॉन्फिडेंट था, लेकिन अंदर से एक डर था, क्योंकि कुछ ऐसा लगता है ना कि मतलब ये भी कह रहे हैं कि किसी की बॉडी में सिम्टम नहीं है फिर भी उनको ये बीमारी हो सकती है। देखिए आप समझ सकते हैं कितनी, जब अपने के ऊपर कोई बात आती है तो बहुत घबराहट होती है। तो फिर उसके बाद वो टेस्ट के लिए आया, और उसके बाद क्या क्या हुआ फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ, देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए जिस प्राइवेट लैब से हमने कांटेक्ट किया था ये टेस्ट कराने के लिए, वो डॉक्टर हमारे घर पे आए और टेस्ट करने के लिए, और वो पीपीई किट को पहनकर नहीं आए थे, एक्चुअली पीपीई किट को अपने साथ में लाए थे। मैंने उनसे पूछा भी कि आप पीपीई किट पहन के नहीं आते हो, तो उन्होंने कहा नहीं इसको पहन के नहीं जाते, बताया कि पीपी किट हम साथ में रख के ले जाते हैं और वहीं जाकर पहनते हैं, अगर हम पहन के जाते हैं और हमें आसपास के लोग देख लेते हैं तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि शायद यहाँ पे कोई कोरोना का पेशेंट ना हो, इसीलिए डॉक्टर इस तरह से किट विट पहन के आ रहे हैं। क्योंकि जब वो किट पहने रहते हैं ना डॉक्टर्स को देख के लोगों के मन में एक दहशत सी फैल जाती है, तो इसलिए। और देखिए ये इनके साथ में जो जिसमें ये सलाइवा लेंगे उसकी कुछ ये डब्बी सी है, जो भी इसको बोलते होंगे आई डोंट नो, तो उस पर उन्होंने नंबर वगैरह लिखा है टेस्टिंग के लिए, सब चीज़ें ये अपने साथ में लाए। और ये पीपी किट है, ये इसको खोलेंगे और पहनेंगे इसको, और इन्होंने मुझे बताया कि एक ही बार यूज़ होती है, एक पेशेंट के लिए एक पीपी किट यूज़ होती है और दोबारा इसको यूज़ नहीं करते, फिर ये डिस्पोजल होती है पूरी तरह, इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। तो चाहे पेशेंट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दोबारा नहीं यूज़ करी जाती है, और इसको बहुत ही संभाल के ये पैक कर लेते हैं पूरी तरह से, जिससे कुछ भी अगर इस पर वायरस वायरस आया है तो वो इधर उधर ना फैले। तो इन्होंने मुझे यही बताया, तो पॉलिथीन से इन्होंने पूरी तरह पैक थी इसको निकाला और पॉलिथीन को खोल के रख लिया ताकि वो इधर उधर ना रखें, डायरेक्ट इस किट को उतार के फोल्ड करके सीधे उसी में रखें। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, तो ये सब चीज़ें जो जो अपने साथ में लाए, ये मास्क वास्क सब कुछ,
तो अब ये इसको पहनेंगे और उसके बाद में टेस्ट करेंगे। तो देखिए वो प्राइवेट लैब जिससे ही हमने टेस्ट कराया, मैं किसी लैब का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो एक दो लैब हैं जिनसे सरकारी कॉन्टैक्ट है, जो सरकार ने उनको अप्रूवल दे रखा है टेस्ट करने के लिए, उन्हीं में से ये हैं। तो देखिए इस तरह से किट इसको पहन लेंगे, ये पूरी तरह मतलब इन्होंने अपनी बॉडी को पूरी तरह कवर कर लिया, और ये काफ़ी डिस्टेंस से बैठ के बात कर रहे थे जब आए थे, तो जो भी इनको मतलब फॉर्मेलिटीज़ पहले उन्होंने पूरी की। सबसे पहले तो आरोग्य सेतु जो ऐप होता है उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाली कि कहाँ पे क्या टेस्ट कराने आए हैं, किस किस मतलब जिसका टेस्ट करने आया उसकी बॉडी में क्या सिम्टम्स हैं। तो इन्होंने भैया ने देखिए इस तरह से पूरी किट पहनी और काफ़ी हम्बल थे ये, ऐसे कुछ डराने वाली बात नहीं थी। तो टेस्ट कराते समय आपको भी डरना नहीं चाहिए, और आप पॉजिटिव आए हो या निगेटिव आए हो, देखिए इलाज कराना तो ज़रूरी है और आपको कराना चाहिए। तो देखिए इस तरह से उन्होंने पूरी किट पहन ली, और किट पहनने से यही नहीं कि यही सेफ़ रहेंगे, हमारा जो जिस हमारे जिस फैमिली मेंबर का टेस्ट हो रहा है वो भी सेफ़ रहेंगे, क्योंकि ये भी तो बाहर से आ रहे हैं ना, तो उनको भी तो सेफ्टी चाहिए। और देखिए ये बाहर से आ रहे हैं, कितने लोगों से हो सकता है ये भी कॉन्टैक्ट में आए हों, वैसे लॉकडाउन में कोई नहीं निकल रहा है, लेकिन यार फिर भी डर लगता है क्योंकि वायरस तो ये बाहर से ही आ रहा है ना, तो और लैब में तो कितने लोगों की टेस्टिंग होती है तो डर लगता है। तो इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया। तो ये पीपीई किट पहनने का कारण सिर्फ यही नहीं है कि जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उससे टेस्ट करने वाले को इन्फेक्शन ना हो, इसका मतलब दूसरा कारण ये भी है कि जिसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसको भी कुछ इफेक्ट ना हो, वो भी सेफ़ रहे, क्योंकि जो टेस्ट करने के लिए आ रहा है वो भी तो बाहर से आ रहा है ना, मतलब सेफ्टी तो दोनों की ज़रूरी है। और तो इस तरह से देखिए इन्होंने ये सारी किट पहन ली है, और फिर इन्होंने अपने हाथों को सैनिटाइज़ किया पूरी तरह से, और जो हमारे मेरे हस्बैंड हैं उनको भी हाथों को सैनिटाइज़ किया, जिससे उनकी बॉडी पे या फिर उनकी किसी चीज़ पे उनके हार्ड टच हो तो फिर कुछ इन्फेक्शन का डर ना रहे। और फिर उसके बाद में ये जो जिससे ये टेस्ट किया इन्होंने, ये नाक में और मुंह में से सलाइवा लेते हैं, तो उससे उसका टेस्ट होता है। तो वैसे देखिए अगर आपको साधारण खांसी जुकाम है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस है। तो खांसी जुकाम तो देखिए मौसम चेंज होता है तो उससे हो भी जाता है, तो थोड़ा थोड़ा कफ वगैरह तो सभी को बन जाता है, लेकिन अगर वो वायरस है तो वो आपकी टेस्ट में आएगा, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं आएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक दो छींके और खांसी तो देखिए इस मौसम में सभी को आती है, जब मौसम चेंज होता है तो सभी को आती है, कोई ऐसा नहीं है जिसको ना आ रही हो। तो देखिए इन्होंने पूरी पीपीई किट पहन ली है, और ये ग्लव्स भी इनके कुछ डिफरेंट थे, पहले वाले जो ग्लव थे उनसे अलग थे, और ये अपने आप को पूरी तरह इन्होंने पैक कर लिया है, उसके बाद में ये टेस्ट करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को पूरा कवर कर लिया है, और मेरे हस्बैंड ने भी देखो मास्क पहना हुआ है, तो मास्क तो वैसे भी रेगुलर सब लोग पहन ही रहे हैं, और ऊपर से जब कोई बाहर से टेस्ट करने आ रहा है तो और भी यार ज़रूरी है टेस्ट पहनना। तो ये एक बिल्कुल पैक है जिससे टेस्ट करेंगे, ये एक जैसे कि जैसे एक ईयरबड नहीं होती जिसे हम ईयरबड टाइप की, कुछ इस तरह का था, उसमें लंबी सी एक स्टिक थी और उस पर आगे को थोड़ी कॉटन टाइप की लगी हुई थी, तो वो उन्होंने उनके मुंह में डाला और थोड़ा सा उनका सलाइवा लिया, फिर नोज़ में डाला और फिर और मुंह में तो देखिए गले तक डालते हैं, लेकिन नाक में काफ़ी ऊपर तक डालते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, जो भी टेस्ट करा रहा है उसको बहुत परेशानी होती है, मतलब उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, उसको एकदम से छींके लग जाती हैं, गला और खांसी सी आने लगती है, और जैसे आप समझ सकते हैं नाक में कोई चीज़ डालेंगे तो कैसा फील होगा, वो सेम उनको फील हो रहा था, और मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा फील हो रहा था कि ज़बरदस्ती के टेस्ट हम लोगों को कराने पड़ रहे हैं। तो देखिए दो तीन बार इनको ये डालना पड़ा, उसके बाद ये टेस्ट हुआ, क्योंकि उससे जब आप नाक में किसी के कुछ डालेंगे इतना लंबा, वो कितना परेशान हो जाएगा इंसान, आप समझ सकते हैं, उनकी आंखों में बहुत आंसू आ गए और वो बहुत परेशान हो गए, जबकि उनको इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं थे, फिर भी मजबूरी में टेस्ट कराना पड़ा। इंसान टेस्ट करा रहा है उसको यार सर दर्द तक हो सकता है, तो सर भी थोड़ा भारी भारी सा हो जाता है, और इनको ऐसे नाक में पानी और आंखों में पानी बहुत बुरी तरह आने लगा, चेहरा लाल हो गया। देखिए उनको प्रॉब्लम तो होती है जब कोरोना का टेस्ट कराते हैं, क्योंकि नाक में जो ये डालते हैं जो भी इनका टेस्ट का ये जो स्टिक सी होती है, काफ़ी अंदर तक ऊपर तक डालते हैं, जहाँ पे नाक और आँख की हिस्सा आपस में मिलता सा है, बिल्कुल नाक के ऊपर तक डालते हैं। तो इन्होंने ये टेस्ट की वो ले ली है इनका सलाइवा, और उसको पूरी तरह पैक कर लिया एकदम, और अच्छे से इन्होंने इसको पैक कर लिया है, और देखिए आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने पैक किया है, जिससे कि अगर कोई पॉजिटिव है इंसान तो मतलब उससे किसी को ये ना पहुंचे। तो इन्होंने अपना काम अच्छे से किया, हम लोग संतुष्ट थे, उन्होंने ठीक से अपना काम किया, और देखिए प्रोफेशनल है तो इनका काम ही यही है, तो यह तो अपना काम करने के लिए आए हैं ना,
लेकिन ये है कि प्राइवेट लैब वालों ने इसके रेट बहुत बढ़ा रखे हैं, और एक आम आदमी के लिए टेस्ट कराना यार, लॉकडाउन चल रहा है, मुश्किल बात है। मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता 4,500 का, और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे काम धंधे सब बंद हैं। और इसी डब्बे में कितनी अंदर करके इन्होंने पैक किया इसको बिल्कुल, और ये सीधा अब लैब में जाएगा और इनका टेस्ट होगा। तो इसी तरह से ये टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद में ये इन्होंने कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं रखी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उनको इधर उधर नहीं रखा, बिल्कुल अंदर ही रखा। तो देखिए इस तरह से ये पैक कर लेंगे। और इसकी रिपोर्ट जो है 2 दिन बाद आती है, इन्होंने बताया कि 2 दिन बाद इसकी रिपोर्ट मिल जाती है, जबकि सरकारी हॉस्पिटलों में जल्दी दे रहे हैं। तो देखिए इन्होंने अब टेस्ट कर लिया है, अब इन्होंने ये सब चीज़ों को पॉली बैग के अंदर रखा है, बिल्कुल भी मतलब जैसे और चीज़ों का टेस्ट होता है आराम से डब्बी लाते हैं और उसमें ले जाते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल पैक कर लिया उस चीज़ को, जिससे कि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसका वायरस बिल्कुल बाहर ना आए, किसी को कोई इफेक्ट ना हो। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन के बाद हमें मिली और निगेटिव मिली। तो मतलब एक सुकून मिला, एक शांति मिली दिमाग को कि निगेटिव है। और ये वीडियो बनाने का कारण मेरा यही है कि आप लोगों को भी पता चले कि देखिए, हम लोगों की बॉडी में कोई सिम्टम नहीं था, हमें मजबूरी थी कि हमें कराना पड़ा टेस्ट। लेकिन अगर आपकी बॉडी में सिम्टम है, आपको लगता है टेस्ट कराना चाहिए, तो यार कराइएगा। लेकिन ये भी रियलिटी है कि जहाँ पर सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि इतने लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, इतने लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, वहीं पर एक आम इंसान बेचारा 4,500 रुपए देके इस टेस्ट को कराता है, जिसकी बॉडी में कोई सिम्टम भी नहीं है, जिसे कोई जरूरत भी नहीं हो, पहले से एक बीमारी से जूझ रहा है। और वैसे एक तरफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन में घर पे रहिए, और दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले कहते हैं कि टेस्ट की रिपोर्ट लाइए, तो इंसान बीच में फंस जाता है। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का कारण मेरा कोई किसी को दोष देना, किसी प्राइवेट लैब को दोष देना, किसी सरकारी हॉस्पिटल को दोष देना कुछ नहीं है। बस मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती थी कि जब अगर आप इसका टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट कैसे होता है, और मतलब क्या क्या प्रोसेसिंग है इसकी, इसको बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।